दुबई की ताज़ा फलों और सब्जियों की मार्केट में इसराइली अशिया की नुमाइश। हम इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन बढ़ते हुए ताल्लुकात पर खुश हैं। दुबई मुकामी इंतजामिया। दुबई म्यूनसिपलिटी के ज़ेर इंतज़ाम रास अल खोर के इलाके में वाक़िया ताज़ा फलों और सब्जियों की मार्केट में पहली मर्तबा इसराइली अशिया की नुमाइश की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर वाक़िया ड्रैगन मार्केट के करीब फ्रेश मार्केट मुकामी और दरामद शुदा अशिया की तजारत और फरोख के लिए इलाकाई मरकज़ के तौर पर दुबई की पोजिशन मुस्तहकम बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। इस हवाले से इफ्तिताही तकरीब में डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सलीम, वज़ीर आज़म के दफ्तर में तहफ़ खुराक ऑफिस के सरबरा ईसा अब्दुल रहमान अल हाशमी, दुबई म्यूनसिपलिटी के सेहत हिफाजत और माहौलियात के शोबे के सीईओ खालिद मोहम्मद शरीफ अलवादी और दीगर आला सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने सफारती और कारोबारी रवाबत कायम करने, सरमायाकारी और सयाहत को फ़रोग देने और बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने के लिए बाहमी इकदामात करने पर इत्तफाक किया। इसराइली अशिया का तारुफ़ मुत्तहिदा अरब अमारात में दरामदी पैदावार के ज़राए को तनोव बख्शने में मददगार साबित होंगी। तकरीब में कारमेल के चेयरमैन शलोमी फोगल ने भी शिरकत की और कहा कि हम इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन बढ़ते हुए ताल्लुकात पर खुश हैं। उन्होंने कहा कि दुबई में अपने साथियों के साथ मिलकर हम आज अमन के सम्राट देख रहे हैं।